इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड एक्साइटिंग भी, क्योंकि आज मेरे पास है लावा ब्लेड्स 2 जो कि एक बजट सीरीज का फोन है। एक तो ये इंडियन ब्रांड है, ऊपर से इनके जो फोन्स हैं वो भी काफी अच्छे फोन्स हैं, तो दिल ना खुश हो जाता है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि लावा पिछले साल से लेके अब तक काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, तो यस, सो ये जो लावा ब्लेड्स 2 है इसके अंदर भी आपको तगड़े आपको यहाँ पे स्पेसिफिकेशन मिलने वाले हैं, जैसे कि ये फोन आता है ग्लास बैक के साथ और इसके ऊपर से आपको यहाँ पे एक पावरफुल प्रोसेसर मिलता है जिसका अंतुतु स्कोर भी 4 लाख से ज्यादा है। तो ये सारी जो प्रीमियम चीजें हैं, जो और भी आपको यहाँ पे प्रीमियम चीजें मिलने वाली है, वो सब आपको मिलने वाली है 10,000 के अंडर आपको ये फोन मिलने वाला है जो कि एक बजट सीरीज का फोन है। तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं एंड टेस्ट करते हैं कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीजें ऑन पेपर है, लेकिन जब मैं इस फोन को ट्राई करूंगी एंड आपको बताऊंगी तब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि क्या आपको ये फोन बाय करना चाहिए या फिर आपको ये फोन नहीं बाय करना चाहिए। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो जाए। सो दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है मेरे चैनल पे अभी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दो। तो चलिए फटाफट से लावा ब्लेड्स 2 की अनबॉक्सिंग करते हैं एंड आपको दिखाते हैं ये फोन देखने में कैसा है। सो यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे लिखा है लावा एंड यहाँ पे है ब्लेड्स 2 5G। इसके बाद यहाँ पे लिखा है फ्री सर्विस होम, जो सबसे ज्यादा अच्छी बात होती है कि आपको जो सर्विस है वो फ्री होम सर्विस आपको यहाँ पे मिल रही है। तो बॉक्स को ओपन करते हैं एंड लेट्स सी। ओके, तो जैसा कि हमने ये बॉक्स को ओपन किया तो यहाँ पे है विद इन 24 आवर्स सर्विस प्रोमिसेस, फ्री सर्विस एट होम, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके बाद है ये फोन जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन यार फोन का वेट काफ़ी अच्छा है। यस ओके, तो आपको इसमें 10,000 के बजट रेंज में आपको कवर केस भी मिलता है। यस सी, ये TPU केस आपको यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि मैं भी आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आपको एक नाइस कवर मिल जाता है और आप इसको देख के लगा सकते हो कि इसमें आपको कितना बड़ा कैमरा मॉड्यूल मिलने वाला है। सो यहाँ पे आपको ये Type-A to Type-C आपको यहाँ पे ये केबल मिल जाती है। इसके बाद है ये चार्जर बॉक्स में, एंड ये चार्जर का वेट काफ़ी लाइट है। यस, यहाँ पे आपको जो ये चार्जर मिल रहा है, अडेप्टर मिल रहा है, वो काफ़ी लाइट वेटेड है और ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। या इसके बाद है ये सिम इजेक्टर। यस, तो दैट्स इट, इस बॉक्स में आपको यही सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद अभी हम बात करते हैं बॉक्स की, तो इसको अभी हम रखते हैं साइड में। तो चलिए फटाफट से इसको ओपन करते हैं फोन को एंड नाउ। तो ये फोन हो गया है यहाँ से पूरा क्लीन एंड दिस इज द वेरी नाइस कलर। अगेन यहाँ पे मेरे पास है ग्लास लेवेंडर एंड इसके बाद एक और आता है ग्लास ब्लैक। तो यहाँ पे ये फोन आपको ये 3 कलर्स में मिलने वाले हैं, तीनों ही कलर्स मैंने बता दिए। और यहाँ पे अभी मेरे पास है ग्लास लेवेंडर जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम दिख रहा है। और ये जो इसका बैक पैनल है ये बिल्कुल ही ग्लास पैनल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ये जो फ्रेम है ये आपको यहाँ पे जो फ्रेम आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आपको मेटल फ्रेम मिल जाता है। तो एंड फोन का जो वेट है ना, मैं बता रही हूँ, काफी यहाँ पे जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन की गई है वो काफी अच्छी की गई है। 201 ग्राम का आपको ये फोन मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा सही है, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवियर साइड में भी नहीं है ये फोन और बहुत लाइट साइड में भी नहीं है ये फोन। इसके बाद जो यहाँ पे मैं थिकनेस की बात करूं तो 8.4 mm की आपको यहाँ पे थिकनेस देखने को मिल जाती है, जो कि हाथ में ना काफी अच्छी ये ग्रिपिंग देता है। तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छी, और ग्लास बैक होने की वजह से ये प्रीमियम काफी ज्यादा लगता है। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल है, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको जो यहाँ पे इसके अंदर आपको एक रिंग लाइट दी गई है, जो कि इस सेगमेंट का फर्स्ट ऐसा रिंग फोन है जो आपको ये रिंग लाइट प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर आप फोन को चार्जिंग पे लगाते हो जो ये रिंग लाइट है ये जलती है, एंड इसके बाद अगर कोई नोटिफिकेशन आती है या फिर कोई कॉल आता है जो ये रिंग लाइट है ये ब्लिंक करता है। तो या ये चीज मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे वर्क करता है। सो क्विकली अब यहाँ पे हम पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ 3.5 mm का जैक मिलता है, माइक्रोफोन है, टाइप सी पोर्ट है, यहाँ पे स्पीकर
ग्रिल है। राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम बटन मिल जाता है और फिर आपको यहाँ पे पावर बटन मिलता है जो कि आपका ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का ऑप्शन बन जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिम ट्रे मिलती है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि आपको जो ये सिम ट्रे मिलती है वो कौन सी सिम ट्रे है। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल स्लॉट मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे एक एसडी कार्ड भी यूज कर सकते हैं और दो सिम कार्ड भी आप यूज कर सकते हैं। तो यार ये चीज आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। सब यहाँ तो हमने बात करी है फोन की ओवरऑल लुक एंड डिजाइन की जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम है और बजट प्राइस के अंदर ये फोन काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। अब बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले को पहले ऑन करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि डिस्प्ले कैसी है इसकी। पर यहाँ पे मैं ये चीज जरूर बोलूंगी कि जो डिस्प्ले का साइज है ना यहाँ पे आपको काफी ज्यादा बड़ा मिल जाता है। इनफैक्ट जिनके हाथ थोड़े से छोटे हैं जैसे कि अगर यहाँ पे अगर मैं अपने हाथ की बात करूं तो यहाँ पे जो फोन है ना थोड़ा बड़ा दिखता है। तो ये चीज है इसके अंदर कि आपको इसका जो फोन का साइज है वो काफी बड़ा मिल जाता है यहाँ पे। तो जैसा कि अब यहाँ पे ये देख सकते हैं इस फोन की डिस्प्ले को एंड मैं सच बता रही हूँ इसकी डिस्प्ले भी काफी ज्यादा अच्छी है। बेजल्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको मिनिमल बेजल्स देखने को मिलते हैं। हालांकि 10,000 के अंदर जो फोन आते हैं उनके जो बेजल्स होते हैं काफी ज्यादा ना थोड़े मोटे होते हैं लेकिन यहाँ पे आपको बेजल्स जो है काफी आपको थिन दिखाई देंगे लेकिन हाँ थोड़े चिन साइड में आपको थोड़े एवरेज बेजल्स देखने को मिल जाते हैं लेकिन दैट्स ओके। सो यहाँ पे अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ पे आपको मिलता है 6.5 इंचेस की HD प्लस IPS LCD पैनल मिलती है जो वर्क करती है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट में। प्लस यहाँ पे आपको 450 निट्स के पिक ब्राइटनेस दी गई है। तो यहाँ पे मैं ये चीज बोलूंगी जो ब्राइटनेस है यहाँ पे आपको काफी सही देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको कोई भी इशू नहीं आता है चाहे आप इंडोर यूज कर रहे हैं कोई भी आपको दिक्कत नहीं आती है। ब्राइटनेस आपको यहाँ पे सफिशियंट देखने को मिल जाती है। प्लस यहाँ पे जो एक चीज है वो ये है कि आपको HD प्लस डिस्प्ले मिल रही है। फुल HD प्लस आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि अगर वो मिल जाती तो ज्यादा बेटर होता लेकिन ठीक है 10,000 के बजट रेंज में आपको HD प्लस आपको यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिल रही है और 90 हर्ट्ज होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं आता है। फोन काफी ज्यादा स्मूथ यहाँ पे चलता है तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है। सो ये तो बात हुई यहाँ पे अभी डिस्प्ले की। अब बात करते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस की। तो यानी कि ये परफॉर्मेंस वाला फोन है या नहीं इसको अभी हम टेस्ट करते हैं लेकिन जो इसके अंदर आपको प्रोसेसर मिलता है सो वो है MediaTek की तरफ से Dimensity 6020 जो वर्क करता है 7nm के चिपसेट पे और जो इस फोन का जो अंतुतु स्कोर निकल के आता है वो है 416,000 के अराउंड आपको यहाँ पे अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाता है जो कि इस बजट प्राइस सेगमेंट के लिए एक अच्छा स्कोर माना जाता है। जो आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं आप स्मूथ में अल्ट्रा यहाँ पे गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। जो हमने जो गेमिंग टेस्ट करी यहाँ पे तो यहाँ पे हमें कोई भी लैग एंड ड्रॉप का सच कोई इशू हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला। काफी अच्छी हमने यहाँ पे स्मूथ में गेमिंग भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। 40 FPS की आप BGMI में आप गेमिंग वगैरह कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे आपको जो ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं काफी अच्छे ग्राफिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सो मेरा मतलब है कि यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिल जाती है। सो बात करते हैं यहाँ पे कैमरे की कि कैमरे में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको ना ये दो कैमरे देखने को मिल जाते हैं जो कि ये रेयर कैमरा है। ये आपको मिलता है 50 megapixel का AI कैमरा है एंड जो दूसरा कैमरा है वो VGA है। तो यहाँ पे आपको ना अल्ट्रा वाइड कैमरा और मैक्रो कैमरा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। फ्रंट में आपको यहाँ पे 8 megapixel का आपको यहाँ पे कैमरा मिल जाता है लेकिन आपको मेन कैमरे में काफी अच्छी खासी फोटोज यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम कैमरा ऐप पे जाएं तो जैसे कि हम यहाँ पे कैमरा ऐप पे जाते हैं तो काफी सारे हमें यहाँ पे मोड देखने को मिल जाते हैं जैसे कि नाइट मोड है, वीडियो मोड है, फोटो है, फिल्म है, पोर्ट्रेट फिल्म में भी आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो कि आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। इसके बाद है पोर्ट्रेट है, ब्यूटी है, मोर पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको गिफ्ट मिल जाता है, प्रो मोड है, पैरानोमा है, UHD है, स्लोमो है, टाइम लैप्स है, इंटेलिजेंट स्कैनिंग भी है। तो ये सारे फीचर्स आपको इस कैमरे के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और जो हमने यहाँ पे कैमरे की टेस्टिंग की है ना तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं हमने काफी सारे फोटोज लिए हुए हैं कैमरे में। यहाँ पे हम अगर डे लाइट में भी शूट कर रहे हैं या इंडोर में भी शूट कर रहे हैं फोटोज यहाँ पे आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। हालांकि जो इस फोन में हमने जो फोटो लिए गए वो तो डिसेंट ही आते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जितने भी नेचुरल कलर्स है ना मोस्टली आपको यहाँ पे ये चीज देखने को मिल जाती है तो आपको यहाँ पे डिसेंट फोटोग्राफी देखने को मिल जाती है। प्लस अगर आप वीडियो में जाते हैं तो यहाँ पे आपको वीडियो के अंदर 1080p की वीडियोस को आप 30 FPS पे शूट कर सकते हैं फ्रंट से। और अगर मैं बैक से बात करूं वहां पे आप 2K की वीडियोस वहां पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं तो या आप वीडियोग्राफी भी यहाँ पे कर सकते हैं। सो ये फोन आता है LPDDR4X RAM टाइप पे एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है और इसमें आपको दो वेरियंट मिलने वाले हैं। एक है 4GB RAM प्लस 64GB वेरियंट एंड दूसरा है 6GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज वेरियंट।
और अगर मैं मल्टीमीडिया की बात करूँ, मल्टीटास्किंग की बात करूँ, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर आपको क्लीन यूआई एक्सपीरियंस मिलता है। सॉफ्टवेयर एंड ओएस की बात की जाए तो ये बेस्ड है एंड्रॉयड 13 पे। यहाँ पे आपको एक साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है एंड 2 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, बस यही चीज है कि स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है। यहाँ पे आपको सिंगल स्पीकर मिलता है, ये चीज है। तो जैसा कि अब यहाँ पे हम यूट्यूब पे अगर वीडियो वगैरह देखते हैं, 1440p पे आप यहाँ पे वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको जो एक कलर कॉन्ट्रास्ट काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, कलर्स आपको काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। बड़ी स्क्रीन होने की वजह से जो भी आप कॉन्टेंट कंज्यूम करोगे वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, और ये चीज आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। सो बैटरी की बात की जाए, बैटरी में यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जो सपोर्ट करती है 18 वॉट के चार्जिंग स्पीड को। बैटरी भी यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी है, एक बिग बैटरी का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिला है। 5000 बैटरी होने की वजह से भी यहाँ पे जो ये फोन है बिल्कुल हैवी फील आपको नहीं होता है, और आप यहाँ पे थिकनेस भी देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ठीक ठाक थिकनेस भी आपको देखने को मिल जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है, जिसमें अगर आप चार्जिंग करते हैं तो ये लाइट ब्लिंक होती है, इसके बाद कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो ये लाइट ब्लिंक होती है, या फिर कोई कॉल आता है तो ये लाइट ब्लिंक होती है। तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छी लगती है, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि ये इस सेगमेंट का फर्स्ट ऐसा फोन है जो ऐसी रिंग लाइट के साथ आ रहा है, और इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैं आपको यहाँ पे ये दिखाती हूँ कि आपको कस्टमाइज भी कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि ये रिंग लाइट है, आप यहाँ पे जाते हैं तो आप इसकी ब्राइटनेस को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको लो रखनी है लो रख सकते हैं, हाई पे रखनी है हाई पे भी रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सारी सेटिंग्स दी गई हुई है कि आपको किस किस चीजों के लिए आपको ये रिंग लाइट चाहिए, तो ये चीज सारी यहाँ पे दी गई है। ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप कस्टमाइज कर सकते हैं, तो ये काफी एक यूनिक चीज मिल जाती है इस बजट प्राइस पॉइंट के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आप मेरे से पूछोगे कि ये फोन मुझे कैसा लगा, तो मैं लिटरली बताऊं तो यहाँ पे मुझे इसकी डिस्प्ले काफी ज्यादा पसंद आई। लुक एंड डिजाइन के बारे में बात करूं तो ये फोन काफी हद तक आपको प्रीमियम फील देता है, मतलब ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला है कि ये फोन आपको 10,000 का मिल रहा है। प्लस इसके अंदर आप जो आपको स्पेसिफिकेशन मिलते हैं वो काफी अच्छे हैं। जैसे कि अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं, परफॉर्मेंस की बात करूं, तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। हाँ, यहाँ पे जो कैमरा है वो आपको यहाँ पे डिसेंट क्वालिटी का कैमरा देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो वो काफी ज्यादा अच्छी है। एंड पर्सनली ये फोन मुझे काफी पसंद आया है, लुक एंड डिजाइन वाइज भी एंड स्पेसिफिकेशन वाइज भी। सो दोस्तों, लास्टली एक चीज कि ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, फोन को खुद बाय किया है, टेस्ट किया है, देन आपको इसका रिव्यू बताया है। सो पर्सनली ये फोन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। आपका क्या रिव्यू है इस फोन के रिगार्डिंग, ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी ये चीज भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, और आपको ये फोन बाय करना है तो इस फोन का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर जाके वहां से चेकआउट करिए। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर चैनल। थैंक यू।